स्वागत है। प्रदेश के 151 नगरीय निकायों के 2848 वार्डों में कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की टीम तैयार है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले मतदान दलों को रवाना किए जाने का सिलसिला चला है। कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर के 70 वार्डों के लिए सीज बाहर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सामग्री का वितरण करके पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे जिन कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के लिए आवेदन किया था, उन्होंने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाला। रायपुर के 70 वार्डों के लिए कुल 1110 कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के जरिए आवेदन किया था। राजधानी में 1128 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 254 संवेदनशील हैं। मतदान के दिन राजधानी में 1700 के आसपास पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। डाक मतपत्र की प्रक्रिया ये है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगी है, उनको निर्वाचन नियमों में प्रावधान है कि उनको डाक मतपत्र की सुविधा दी जाए। जिन लोगों ने हमको 16 तारीख तक एप्लीकेशन दिया था। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा और करीब 2840 वार्ड हैं जहां पर वोटिंग होगी। यहां पर अभी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज राजधानी के यहां से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है, क्योंकि कल मतदान होना है। यहां पर रायपुर के जो 70 वार्ड हैं जहां पर चुनाव होना है, उसके लिए यहां पर मतदान दलों की रवानगी की जा रही है और करीब 1128 बूथ यहां पर पूरे रायपुर के वार्डों में बनाया गया है। और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो 1128 जवानों की वो बूथों में तैनाती रहेगी। इसके अलावा अगर पूरे सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे चुनाव में 1700 से आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर तैनात रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि पहली बार नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हो रहा है। चुनौती अब हम लोगों के लिए कि भी हमारे लिए तो है ना, मुश्किल काम तो है, क्योंकि देखिए हम लोग को ना मतदाता जो 1218 मतदाता हैं हमारे बूथ पे है ना, तो 1218 मतदाता बहुत होते हैं, पहले के लोग भी जानते हैं और मतपेटी से बहुत करते गए। बीच में कुछ अरसा रहा है जिसमें लोगों ने ईवीएम से किया है, पर ये पेटी वाला ज्यादा सुविधाजनक है लोगों के अनुसार, हमारे देश की जनता के अनुसार, कि पेटी में बैलेट पेपर सीधा डालना है। उसमें क्या होता है, थोड़ी परेशानी होती है मशीन को दबाना है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें करके, और पेटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लोगों में बनी हुई है कि यहाँ पर जो बैलेट पेपर है उससे डालने में कहीं इधर उधर उनका वोट है वो हो जाएगा, लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि उनको मतदाता को परेशानी नहीं होगी। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनको इस बार काफी चुनौती है मतदान के लिए, क्योंकि वार्डों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा जो बूथों की संख्या है वो भी इस बार अधिक है। कैमरामैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। कांग्रेस ने बीती रात चुनावी दौर में तीर्थयात्रा पर